हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीएम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली मैंने एक जीके की वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में हमने क्या किया था, प्रधानमंत्री के बारे में किया था। आज उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो और लेकर आया हूँ। वो वीडियो कौन सी है कि अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं भारत के, उन प्रधानमंत्रियों के बारे में कुछ ना कुछ विशेष तथ्य हैं, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, भारतीय प्रधानमंत्री, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको बताया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ओके स्टूडेंट्स, तो उनके बारे में क्या क्या बातें हैं कि उनसे उनके बारे में सबसे पहली बात क्या है कि उनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल था। मतलब वो अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब में लंबे कार्यकाल तक वो अपने पद पर रहे। उनका कार्यकाल कितना था, 16 वर्ष 286 दिन। ओके स्टूडेंट्स, वैसे तो आप सबको पता है कि भारतीय प्रधानमंत्री को उनके पद की शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति दिलवाता है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्हें शपथ दिलवाई थी उस समय के गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें शपथ दिलवाई थी। ओके स्टूडेंट्स, अगला लाल बहादुर शास्त्री, इनके बारे में क्या क्या खास बात है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो भारत के बाहर ताशकंद में हुई थी। कब हुई थी, 11 जनवरी 1966 को। ऐसा क्यों कि 1965 में, जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद भारत के बाहर ताशकंद समझौता हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, तो उस समझौते में कौन था, भारतीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री। ओके स्टूडेंट्स, अब अगला कौन है, श्री गुलजारी लाल नंदा। इनके बारे में क्या है कि ये दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। कैसे, पहली बार तो कब बने ये, 1964 में जब पंडित नेहरू की मृत्यु हुई, और दूसरी बार 1966 में बने जब श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद कौन सा है, श्रीमती इंदिरा गांधी। इनके बारे में बहुत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। वो कैसे हैं, सबसे पहली बात तो ये कि जब ये प्रधानमंत्री बनी थी पहली बार, तो ये भारत की बनने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ओके स्टूडेंट्स, और इसके बारे में और क्या कहा जाता है इनके बारे में कि इन्हें भारत की क्या कहा जाता है, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, भारत की लोह महिला इनको कहा जाता है। ये दो अलग अलग बार भारत की प्रधानमंत्री रही अलग अलग कार्यकाल के लिए। पहली बार जब ये प्रधानमंत्री बनी तब ये क्या थी, राज्यसभा की सदस्य थी। ओके, इनके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य और क्या है कि लोकसभा में पराजित होने वाली ये पहली भारतीय प्रधानमंत्री थी। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वेल स्टूडेंट्स, आगे क्या, श्री मोरारजी देसाई, इनके बारे में क्या खास बात है, ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कहे जाते हैं। जब इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उस समय इनकी आयु कितनी थी, 84 साल, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री। ओके स्टूडेंट्स, अगला कौन सा है, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का सामना ही नहीं किया, ये कभी भी लोकसभा में गए ही नहीं। ओके स्टूडेंट्स, इनकी याद में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी याद में 23 दिसंबर का दिन किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इनका जन्म 23 दिसंबर को हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी, इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे क्या है, श्री राजीव गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। जब इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तब इनकी आयु कितने वर्ष थी, 40 वर्ष इनकी आयु थी। तो अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे ये। और इन्होंने क्या किया था कि 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, जो कि 1985 को हुआ था, इस संशोधन के बाद जो मतदान की आयु थी कितने वर्ष कर दी गई, 18 वर्ष, इससे पहले कितनी थी, 21 वर्ष थी, और चुनाव प्रचार के दौरान इन्हें बम से उड़ा दिया गया। ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट कौन सा है? श्री वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें अविश्वास से हटने वाले प्रधानमंत्री थे, ये एकमात्र जिन्हें लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था इनके खिलाफ। नेक्स्ट श्री चंद्रशेखर, इनके बारे में क्या खास बात है? ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया और अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कौन सा है? श्री पीवी नरसिम्हा राव। इनके बारे में क्या खास बात है कि जब इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की तो उस समय ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको 5 सेकंड्स दे रहा हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वेल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी। इनके बारे में क्या खास बात है कि वैसे आपको बता दें कि ये 3 बार प्रधानमंत्री पद की इन्होंने शपथ ली। जब ये पहली बार प्रधानमंत्री बने तो इनका कार्यकाल कितना था? 13 दिन का कार्यकाल था, जो कि अब तक के बनने वाले जितने भी प्रधानमंत्री हैं सबसे कम समय। और इनके बारे में और क्या खास बात है कि एक प्रसिद्ध कवि भी थे। ओके, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक का नाम क्या था? मेरी 51 कविताएं। और 1998 में दूसरी बार इनके कार्यकाल में क्या हुआ था? राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किए गए थे। ओके स्टूडेंट्स, मरणोपरांत इनको क्या दिया गया? भारत रत्न भी दिया गया। और 25 दिसंबर का दिन जो कि इनका जन्म दिवस होता है, उस दिवस के में क्या कि इनका जो जन्म दिवस है वो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? श्री एच डी देवगौड़ा। इनके बारे में क्या खास बात है कि जब इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की तो उस समय ये विधानसभा के सदस्य थे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बनने वाले प्रधानमंत्री कौन? श्री इंदर कुमार गुजरात। इनका व्यक्तित्व बड़ा ही सरल था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनके बारे में बहुत सी खास बातें हैं। वो क्या कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये क्या रह चुके थे? गवर्नर रह चुके थे। और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस की सरकार में इन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। जब इन्हें पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई गई उस समय ये राज्यसभा के सदस्य थे। ओके स्टूडेंट, तो लास्ट श्री नरेंद्र मोदी। ओके जी, तो उसके बाद क्या है? इनका पूरा नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जब इन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई गई तो उससे पहले ये क्या थे? गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे। और इनका अब जो कार्यकाल चल रहा है, इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। वेल स्टूडेंट्स, अब हमारा प्रधानमंत्रियों के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्यों का जो टॉपिक था, अब वो हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद।